एक चैलेंज बनते हुए आपने देखा पुश इंडिया मूवमेंट में 210 वो टारगेट हुआ है, क्या आप ये छू सकते हैं? लेकिन इसकी शुरुआत क्यों हुई? इसकी शुरुआत हुई आपको फिट रखने के लिए। इन चेहरे से आप बाकी हैं, मेजर सुनील पुनिया, जनरल वी के सिंह यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, और आदर्श तोमानी जिन्होंने ये शुरू किया है। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे, क्योंकि मैं हैदराबाद में मिला था, फिट इंडिया मूवमेंट का कोई भी इनिशिएटिव हो आप वहाँ पहुँचते हैं, आज का जो इनिशिएटिव है, आज का जो मकसद है देश को फिट करने का, युवाओं को जागरूक करने का, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई भी चीज़ जो हो और उसके अंदर शारीरिक का व्यायाम हो या शरीर को फिट करने का कोई तरीका हो, वो शरीर को फिट भी करता है और लोगों के अंदर एक भावना भी भरता है कि हमको मजबूत होना है। और जब ये भावना आती है तो आदमी कोई भी काम कर सकता है। जब फिट नहीं होगा तो कहाँ से काम करेगा? चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी फोर्स में जाने वाला हो, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाना हो, आप फिट होंगे तो आप अलग दिखाई देंगे। तो इसलिए हमारा ये जो एक मूवमेंट है, ये अलग अलग तरीके से एक लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना है, एक रोचक तरीका अपनाना है, ताकि लोगों के अंदर ये आगे उनका एक जरिया बन जाए अपने आप को फिट करने का। सर, बहुत से लोग कोशिश करते हैं और वो एक तारीख सेट करते हैं, उसके बाद वो धीरे 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 वो फेड होने लगता है। आप जब अभी बात कर रहे थे तो आप 1971 वॉर की भी बात करते हैं, आप अपने ऐसे सोल्जर्स की बात करते हैं जिनके जज्बे का 1% भी किसी को मिल जाए तो उसकी दुनिया बदल सकती है, उसकी किस्मत बदल सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि आप युवाओं को, और ख़ासतौर से उस जिस जिंदगी को आप जीते हुए आए हैं, उसका 1% क्या वो हो सकता है, कैसे कोई अपना सकता है, वो घर पे बैठे कैसे वो सोल्जर बन सकता है जो अपनी सेहत के लिए उतना जागरूक हो जितना सेना के जवान होते हैं, उसका 1% कैसे हो सकता है? जिस दिन आप अपने मन के अंदर ठान लें कि मैंने किसी भी तरीके से देश के लिए कुछ करना है, चाहे मैं स्वस्थ हूँ, चाहे मैं अपंग हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ, चाहे मैं अमीर हूँ, चाहे मैं विद्यार्थी हूँ, चाहे मैं काम करता हूँ, लेकिन एक दिन जिस दिन आपने भावना आ गई कि मैंने किसी न किसी तरीके से कुछ करना है और उसके लिए मुझे अपने आप को फिट करना ज़रूरी है, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाए। एक आदर्श, आपने शुरू किया इनिशिएटिव, एक सवाल आपसे ये कि आपको प्रेरणा मिली, आपके पिता चाहते थे फिटनेस को लेकर कुछ किया भी जाए और आपने उनकी याद में एक कार्यक्रम शुरू किया जो अब पूरे देश में जाएगा, 210 वो आंकड़ा पहुंचा है, इसको देखकर आज जो हुआ उसको देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्या प्लानिंग है? इसका अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता है, क्योंकि देश के जवान और किसान में कितनी ताकत है वो तो अभी प्रतियोगिता के एंड तक ही पता चलेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। 400, 500, 600 लोग यहाँ पे जुनून लेके आए हैं, जज्बा लेके आए हैं, जोश लेके आए हैं, मैं कोई आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी आंकड़ा हो सकता है। मेजर पुनिया, ये हैदराबाद से लेकर यहाँ तक और फिटिस्तान जिस तरीके से आप कोशिश कर रहा था, एक इनिशिएटिव के साथ आप और जुड़े हुए हैं, जो बदलाव आप महसूस कर रहे हैं अपने अगल बगल, जो देश में महसूस कर रहे हैं, और अब ये इनिशिएटिव गांव गांव तक जाएगा, कैसा महसूस हो रहा है आपको, कहां तक आप पहुंचे और क्या लक्ष्य है आपका? ये एक शुरुआत है, और जैसा कि हमारे प्रेरणा स्रोत जन वी के सिंह यहाँ खड़े हैं, और सर का एक चीज़ शुरू से ही कहना था कि हमें पूरे देश में एक नारा देना है, और वो नारा क्या होना चाहिए कि फौज का एक नारा है जय हिंद का, और फिर दूसरा नारा हमने दिया रुकना मना है, दूसरा नारा हमने दिया कि रुकना मना है, कि हम रुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, और फौज भी यही सिखाती है। तो जो हमारा नारा है कि जय हिंद, जय भारत, फिट भारत, और प्राइम मिनिस्टर का जो एक मूवमेंट है फिट इंडिया, उसी को आगे लेके हमने फिटिस्तान एक फिट भारत, और फिर आदर्श भाई अभी आए साथ में जो पुश इंडिया पुश, और अभी जन वी के सिंह जो एडवेंचर एसोसिएशन भारत सरकार की उसके चेयरमैन बने हैं, और उसके तहत जब इसको मिलके हम गांव गांव गली गली हर शहर हर स्कूल हर कॉलेज में पहुंच जाएंगे, ये आपने खुद ने देखा है, आपने हैदराबाद में देखा, आपने यहाँ देखा है, और इसके अलावा देश में 24,000 लोग इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ले कर चुके हैं, आप अंदाज लगाइए, वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, 17,000 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बस हमें पॉजिटिव रहना है, और अगर देश को आगे जाना है तो सर फिट रहना सबसे पहली ज़रूरत है, और जब तक जन साहब हमारे साथ में हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आशीर्वाद है और जो विज़न है जो लेके चल रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम हिंदुस्तान का एक एक नागरिक को फिट करके ही मानेंगे। एक आखिरी सवाल जनरल साहब, 210 वो टारगेट आंकड़ा छू लिया गया है, एक तो ये कि आप इससे ऊपर कहां तक जाते हुए देखते हैं अपने एक्सपीरियंस में, दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं फिट रहने के लिए, जो पारंपरिक हमारे खेल रहे हैं आज भी पुशअप हुआ है, कुश्ती है, भाला फेंक, और कई पैरालंपिक के खिलाड़ी यहां पर आए हैं,
ये जो पारंपरिक खेलों का प्रोत्साहन भी दिया है सरकार ने, खेलो इंडिया मूवमेंट भी चला रहे हैं, आपको लगता है उन युवाओं को जिनके पास जिम के इक्विपमेंट नहीं है वो भी फिटनेस अपना सकते हैं, देसी तरीके भी हो सकते हैं, और साथ ही आंकड़ा कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, धीरे धीरे आपने देखा होगा जैसे जैसे हम लोग सालों के अंदर बढ़ते गए हैं, एक जिम का तरीका आया, सब चीज़ें महंगी होती हैं, जिम जाना बड़ा महंगा होता है, गांव का बच्चा कहाँ से करेगा, गांव के बच्चे के पास वही पुराने साधन है, वो ईंट भी उठाता है, अपने आप को तगड़ा करने के लिए बोरी को गीला करके उसको निचोड़ता है, तगड़ा बनता है, वजन उठाता है, दुनिया भर की चीज़ें करने के लिए, जब वो गाय भैंस के लिए कोई कुट्टी काटता है अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो अब यहाँ पे कहाँ तक आंकड़ा जाएगा पता नहीं जी। अभी तो शुरुआत, उम्मीद करते हैं आप टूटेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये इनिशिएटिव दूर दराज तक जाए, लोग आपके बातों से प्रेरणा लें, इनिशिएटिव से प्रेरणा लें, फिट हों, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ रोशन मिश्रा, भारत एक्सप्रेस, पुणे।